हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस बहुत ज़्यादा है और ये मौसम तो खैर सुबह तो काफ़ी बदली किया था, लेकिन इस समय काफ़ी धूप हो गई है और बिल्कुल उमस वाली गर्मी है। सच में ये देखिए कितना पसीना हो रहा है और मैं इधर रोटी बना रही हूँ और मेरा खाना सब बन गया है, तो इस गर्मी के कारण वीडियो आप लोग वीडियो बनाना तो बिल्कुल संभव नहीं है। उमस है, अजीब टाइप की गर्मी है जिसको बर्दाश्त करना बिल्कुल बेकार है। तो बस मैंने अभी दाल बनाया है और लौकी की सब्जी बनाई है और दरिया मेरी बन गई। जैसा कि मेरे यहाँ जो है दरिया ही ज़्यादा लोग खाते हैं, चावल तो मैं ही खाती हूँ। जब बनाना होता है तभी, गरम गरम जब खाना होता है सारी, तभी मैं बनाती हूँ। तो बस अभी मैं ये अपनी रोटी बना रही हूँ और सबको अभी खाना दूंगी। और हम लोगों के यहाँ आज सुबह से वही हाल है कि लाइट भी चली गई है, बहुत गर्मी है। सच में खाना बनाना किचन में खड़े होकर के बड़ा बवाल है। तो चलिए मैं वेब कैमरे से दिखाती हूँ कि मैं रोटी बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी रोटी बन रही है और मेरा सारा खाना बन गया है। दाल है, ये यहाँ दरिया है और उसमें मैंने लौकी और चने की दाल मिला करके मिक्स करके मैंने रोटी बनाया हुआ है। तो ये देखिए अभी मुझे इसकी रोटी बनानी है। तो चलिए आप लोगों से फिर बाद में मिलते हैं। देखिए कितनी जम की बारिश हो रही है, ये मौसम देखिए। जी देखिए, तो ये देखिए आज मैं जो है पनीर बना रही हूँ और ये देखिए मैं प्याज और ये जो है पनीर मसाला डाल के बस इसको भूंज रही हूँ। और जब ये मसाला अच्छी तरीके से भून जाएगा तब मैं पनीर को डालूँगी। तो देखिए यहाँ मैं अपनी पनीर फ्राई करके रख गई हूँ और यहाँ पे मैंने मटर को थोड़ा सा बॉयल कर लिया है, क्योंकि ये फ्रोजन मटर है ना, थोड़ा सा बॉयल कर ले तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस चलिए यहाँ पर मसाला भूंज लेती हूँ तो फिर मैं पनीर और मटर को डालूंगी जो था। और आज हम लोगों के यहाँ सुबह से मौसम कुछ गड़बड़ था, इस समय बारिश भी हो गई है, मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन हम लोगों क्या है 1 बजे से लाइट ही नहीं है और पता नहीं आज लाइट आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए ये हमारा अभी मसाला भूंज करके बनने को तैयार हो गया है, बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। और मसाला जब अच्छी तरीके से भून जाता है, कोई भी सब्जी हो तभी उसका स्वाद आता है। ये देखिए, और आज लाइट नहीं थी तो इसलिए मैंने प्याज लहसुन मिर्च अदरक को पीसा नहीं है, इसको खल में ही कोच लिया है। और आज मुश्किल है लाइट आना, क्योंकि लगता है कुछ कहीं फॉल्ट वॉल्ट हो गया है तार में, इसलिए लाइट नहीं है। तो बस ये देखिए, और यहाँ मैं ये जो मटर उबाल के रखी हूँ तो इस मटर को इसमें डाल दूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं मटर उबाली क्यों हूँ, तो हाँ मटर इसलिए उबाल लेते हैं क्योंकि ये बाज़ार की रहती है फ्रोजन, और उबाल लेने से ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो बस यहाँ मैंने इसी उबाल लिया था इसको, तो बस मैं ये मटर को डाल रही हूँ, बिल्कुल सारे मटर को डाल दूँगी मैं। बारिश के मौसम में ठंडा हो जाए मौसम तो ठीक है, लेकिन अजीब सा चिपचिपा चिपचिपा जैसे शरीर में होता है। तो ये देखिए, और यहाँ पे ये जो मैं पनीर फ्राई करके रखी हूँ तो मैं इसको भी डाल देती हूँ।
और अब इस समय इतने कीड़े आने लगे हैं, इतने कीड़े आने लगे हैं जिसको टिट्टी नहीं बोलते, अब इधर हम लोगों की तरफ भी आ गए हैं। इसलिए थोड़ा सा जल्दी खाना बना लेना पड़ता है, क्योंकि यदि सब्जी उब्जी में पड़ जाए ना तो समझ में भी नहीं आता है। इसलिए थोड़ा सा जल्दी ही खाना बना ले वो बल्कि अच्छा है। ये देखिए मैंने मटर और पनीर दोनों को डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर ढाँक के रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से भून जाए। तो चलिए इसको मैं ढाँक देती हूँ, थोड़ा सा भून जाए। और यहाँ मैंने ये देखिए पुलाव वाला चावल जी, इसको फुला के रखा है। आज मैं पुलाव बनाऊंगी इसके साथ। मटर पनीर के साथ पुलाव अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए ये इंडिया गेट पुलाव है, चावल बिल्कुल सफ़ेद, बहुत अच्छा इसका पुलाव बनता है। तो चलिए मैं इसको पहले धो लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप ये देखिए मेरा मसाला भूज गया था और मैंने इसमें ये पानी डाल दिया है। तो पानी अपने आवश्यकता अनुसार जितना आपको गाढ़ा ग्रेवी पसंद हो, पतला पसंद हो, तो बस मैंने डाल दिया, नमक डाल दिया। तो बल्कि इसको मैं ढाँक करके रख देती हूँ क्योंकि कीड़े बहुत आ रहे हैं, इसको डर लगता है कि कहीं कीड़े ना पड़ जाए। तो चलिए, और यहाँ पे मैंने देखिए कुकर रख दिया है, इसमें मुझे वो पुलाव को भूनना है। तो मैं देसी घी से ही भूनूंगी। ये देखिए चलिए मैं पहले काजू किशमिश निकाल लेती हूँ। फिर ये देखिए मैंने यहाँ पे काजू डाल दिया है और इसको मैं भून लूँगी पानी का। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैं काजू और ये काली मिर्च है तो इसमें मैंने डाल दिया है। और ये मेरा चावल अब भुंज गया है पुलाव के लिए। तो बस इसमें मैं पानी डालूंगी और पानी ज़्यादा नहीं डालूंगी जितने में ये पुलाव अच्छी तरीके से पक जाए। तो इसमें मुझे अभी थोड़ा सा पानी डालना है। और इसमें घी, क्योंकि घी ये पुलाव में ज़्यादा डाला जाता है ताकि चावल को अच्छे अच्छे से खिले खिले रहें, तो मैं इसमें घी डाल दे रही हूँ। घी डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगी ताकि अच्छे से खिला खिला बने जो। चलिए इसका ढक्कन लगा देती हूँ, फिर मेरा यहाँ ये पुलाव बनके तैयार हो गया है। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितना खिला खिला बना है। ये देखिए देखा कितना सुंदर पुलाव बना है, ये देखिए। तो चलिए, और वहाँ मेरी ये पनीर भी बन रही है। इधर मैंने थोड़ा सा ननुआ की सब्ज़ी छोड़ दिया है क्योंकि हमारे सास ससुर जो होते हैं वो तिलहा नहीं खाते हैं, तो मैंने यहाँ पे ननुआ भी बना दिया है। तो ठीक है, रखते हैं अभी। तो बस यहाँ देखिए ये मेरी पनीर बन के तैयार हो गई है, तो आप लोग भी खा लीजिए। कैसी बनी है बताइएगा। तो ये देखिए, चलिए इसको हम ढाँक देते हैं, नहीं कीड़े पड़ जाएंगे।